आप भी फ्री फायर खेलना चाहते हैं अपने 1GB 2GB रैम वाले पीसी लैपटॉप पे जिसमें ग्राफिक कार्ड के नाम पे घटा कुछ नहीं है, आप पे फ्री फायर चल नहीं पा रहा, आपने हर एक एमुलेटर ट्राई कर लिया, तो भैया ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना और आपके लो एंड पीसी लैपटॉप पे फ्री फायर मक्खन जैसा चलेगा। तो ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो बल्कि जो आज का वीडियो होने वाला है वो फ्री फायर लवर्स के लिए होने वाला है, जो लोग पीसी या लैपटॉप पे फ्री फायर गेम का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं बट वो खेल नहीं पाते क्योंकि भाई उतनी उनके पास अच्छा सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं होता है एक अच्छा एमुलेटर रन करने के लिए। एक ब्रांड न्यू एमुलेटर लेके आया हूँ जो कि आपके लो एंड पीसी या लैपटॉप पे काफी ओपी चलेगा एंड इस एमुलेटर का सिस्टम रिक्वायरमेंट भी कुछ ज्यादा नहीं। अगर आपके पास 1GB रैम है, 2GB रैम है, 3GB रैम है, 4GB रैम है और फ्री फायर लैग करता है तो भैया इस एमुलेटर को जरूर से ट्राई करना। इस एमुलेटर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो भैया कूद फान के डाउनलोड मत कर लेने लगा, पहले वीडियो को देख लो कैसे इंस्टॉल करना है, क्या आपको एरर आने वाला है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। दोस्तों कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर क्या रहे हो, जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको जोर से मारो, बेल आइकन है उसमें ऑल में कर लेना क्योंकि जैसे ही कोई भी न्यू एमुलेटर का वीडियो डालो तो आपको सबसे पहले मिले। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो बल्कि सिंपली आपको यहां पर एमुलेटर को डाउनलोड कर लेना है। एमुलेटर का सेटअप आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो भैया 4MB का एमुलेटर का सेटअप है, तो यहां पर सिंपली आपको इसे डबल टैप करके ओपन करना है। एमुलेटर का नाम है वाकू। तो भैया ये काफी ब्रांड न्यू एमुलेटर है आपके लो एंड पीसी लैपटॉप पे काफी आसानी एंड काफी अच्छे तरीके से चलेगा। कंपेयर टू और एमुलेटर ये एमुलेटर काफी ओपी है। सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो वाइल इंस्टॉलेशन दोस्तों ये आपका 200MB के आसपास ये डाउनलोड लेगा, तो इसे डाउनलोड होने देते हैं। तो यहां पर जो है हमारा एमुलेटर वो सक्सेसफुल है, यहां पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली हमें स्टार्ट पे क्लिक करना है। सिंपली आपको यहां पर स्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, किसी में भी आप स्टॉल नाउ में क्लिक कर लेना एक बार। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा एमुलेटर वो सक्सेसफुली खुल चुका है। तो हमारा जो एमुलेटर का इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, बट उससे पहले अपने को कुछ सेटिंग्स करना है। तो सिंपली आपको ऊपर कॉर्नर में आपको तो यहाँ पर जो आपको बटन नेविगेशन बटन है वो ऊपर दिया गया दोस्तों। सिंपली आपको सेटिंग्स पे आ जाना है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स पे आ जाना है। ठीक है, सबसे पहले रूट ऑप्शन को यहाँ पर आप चेक कर लो एंड फॉलो द सिस्टम स्लीप। तो इसे आप ये फर्स्ट वाले पे सेलेक्ट कर लो। परफॉर्मेंस सेटिंग में दोस्तों यहाँ पर आपको ये लो 1 कोर एंड यहाँ पर 2GB रैम आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास एक पटेटो पीसी तो सिंपली आपको यही सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको इनहेंस में आपको OpenGL सेलेक्ट करना है और अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो भैया डायरेक्ट एक्स पे आप जा सकते हो। बाकी एज यूजल जैसा डिफॉल्ट दोस्तों उसी आपको यहाँ पर कर लेना है। यहाँ पर आपको मोबाइल मॉडल्स पे आ जाना है जो कि डिफॉल्ट सैमसंग S10 5G होना चाहिए, यही आपको सेलेक्ट करना, अपने से उंगली मत करना, सेव कर लेना और यहाँ से एक बार रीस्टार्ट कर लेना। ठीक, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से लॉगिन हो जाना है, तो अपना एक ईमेल आईडी आपको क्रिएट करना है और अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर मैं साइन इन हो जाता हूँ अपने जीमेल अकाउंट से। हमने आप फाइनली अपने जीमेल अकाउंट से अपने प्ले स्टोर में लॉगिन हो गए हैं हम सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप OBB और APK के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो बट काफ़ी लेंदी प्रोसेस है दोस्तों, तो सिंपली आप डाउनलोड कर लेना, काफ़ी ईजी स्टेप है। तो यहाँ पर आपको फ्री फायर यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अपन फ्री फायर सर्च कर लेते हैं एंड सिंपली अपन क्या करते हैं इंस्टॉल में क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रेश इंस्टॉलेशन करने क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप फ्रेश इंस्टॉल करते हो तो ब्लैक स्क्रीन का जो एरर आता है बेसिकली मेनली हर आदमी को फेस करना पड़ता है जिनके पास लो एंड पीसी रहता है, तो वो एरर आपको यहाँ पर फेस नहीं होगा। तो बल्कि चलिए से डाउनलोडिंग होने देते हैं। कि आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो फ्री फायर गेम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। सिंपली अपन प्ले पे क्लिक करते हैं। सिमुलेटर की मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल की मैपिंग मिलता है, मतलब भैया कोई की मैपिंग का यहां पर आपको झमेला नहीं होने वाला है। तो यहां पर आपको प्री इंस्टॉल की मैपिंग मिलता है, बस यहाँ पर बस आपको जो माउस सेंसिटिविटी वो आपको ठीक करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये देख रहे हो कीबोर्ड के साइन पे जाएंगे,
यहाँ पर आपको ये वाला जो है ये माउस कर्सर का है हमारा जो सेंसिविटी, सिंपली हम इसे कंट्रोल को इसमें डाल देंगे और इसे हम यहाँ पर 55 में सेलेक्ट कर लेंगे। बस आपको इतना ही करना है, वाला दिख रहा है इसे आपको सिंपली जीरो कर लेना है। सेव पे क्लिक करते जो आपका जो की मैपिंग जो की रहेगा जो दिख रहा होगा हाइड हो जाएगा, तो सिंपली हम इसे फुल स्क्रीन पर करते हैं। खुदली यहाँ पर हमारा जो गेम प्ले हो रहा है दोस्तों, अपने को कोई भी इशू देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह अपने पीसी या लैपटॉप पे आप फ्री फायर को खेल सकते हैं, वो भी अच्छे एफपीएस के साथ। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों, अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो फ्री फायर खेल नहीं पा रहे या उनके पास एक लो एंड पीसी या लैपटॉप है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।